हेलो फ्रेंड्स, आज जी मैं ये वीडियो लेके आई हाँ। इस वीडियो दे विच तुहानू मैं जानकारी देन जा रही हाँ कि किस तरह तुसीं एक वधिया इंटरनेशनल स्टूडेंट बन सकते हो, क्योंकि कनेडा जाके सैटल होने के काफ़ी ज़्यादा तरीके ने। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि तुसीं बहुत ही फास्ट वे दे नाल कनेडा जाके सैटल होवो, तो उहदे लई सब तो वधिया तरीका है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो तुसीं एक वधिया इंटरनेशनल स्टूडेंट किस तरह बन सकते हो अते की उहदे फैक्टर्स ने, उहदे बारे तुहानू मैं प्रोपर जानकारी इस वीडियो राही देन जा रही हाँ। सब तो पहला, अगर तुसीं स्टडी वीज़े लई अपलाई करना चाहुंदे हो तां तुहाडी उम्र 18 साल तो घट नहीं होनी चाहीदी। इहदे उपर कुछ कंडीशनज अपलाई हुंदियां ने, ते प्लस टू विचों तुहाडे 60% तो घट नंबर नहीं होने चाहिए। ते अगर तुसीं मैथ ते इंग्लिश सब्जेक्ट है तुहाडे कोल तां उहदे विच वी तुहाडे नंबर घट नहीं होने चाहिए। ते अगर तुसीं बी ए पास करके जाना चाहुंदे हो तां बी ए दे विच तुसीं हिस्ट्री, पोलीटिकल साइंस, पंजाबी, हिंदी अते संस्कृत अते फिजिकल एजुकेशन ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होने चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़न तो बाद तुहानू कनेडा जाके पढ़ाई करन दे विच मुश्किल आ सकती है। आईलेट्स दे विचों भी तुहाडे घट्टो घट 6 बैंड होना जरूरी है अगर तुसीं स्टडी वीज़े लई अपलाई करना चाहुंदे हो, अते तुहानू कंप्यूटर ते इंटरनेट की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि तुहानू दसना चाहुंदी हां कि कनेडा जिहड़ा कंट्री है वह पेपरलैस कंट्री है, उत्थे सारे काम कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं। सो इतों जाने तो पहला कंप्यूटर ते इंटरनेट की नॉलेज लैके जाना तुहाडे लई बहुत जरूरी है अगर तुसीं उत्थे जाके वधिया ढंग दे नाल पढ़ना चाहुंदे हो ते रहना चाहुंदे हो। कनेडा दे विच पासिंग मार्क्स जिहड़े ने वह 70% ने, सो अंग्रेजी विच पहला ही इंग्लिश विच पढ़न दी तुहाडी आदत होना जरूरी है। कनेडा विच पढ़न दे लई पहले साल दी पढ़ाई दा खर्चा जिहड़ा है वह तकरीबन 15 लाख रुपए तक आउंदा है, जो कि तुहाडे कोल तकरीबन होना चाहिए। ते अगर तुहाडा कोर्स 2 साल दा है तां 10 लाख रुपए तुहाडे कोल होर होना चाहिए, ये तुहानू पहला ही पता होना चाहिए कि तुहाडा खर्चा किन्ना आएगा। कनेडा दा तुहानू अपने आप नू कनेडा दे कल्चर दे अकॉर्डिंगली ढालना आउणा चाहिए, क्योंकि तुहानू पता ही है कि जिथे भी असीं जाके रह रहे हां सानू उत्थों दे रूल्स नू फॉलो करना पैंदा है अते उत्थों दे कल्चर नू अपनाउणा पैंदा है। तां तुहानू अपने जे इंडिया तो जा रहे हो तो इंडिया दे रूल्स नू उत्थे छड्ड के जाणा पएगा अते उत्थे जाके उत्थों दे रूल्स नू फॉलो करना है तुसीं अते उत्थों दे कल्चर नू अपनाउणा तां तुहाडे लई वधिया रहेगा। तुहानू रोटी बनाउणी आउणी चाहीदी है, तुहानू बर्तन साफ करने आउणे चाहीदे ने, घर दा काम मीनस के सारा करना आउणा चाहीदा है, क्योंकि जे तुसीं उत्थे जाओगे तां तुहानू सारा अपना काम अपने हत्थीं करना पएगा, अपने खाणा बनाउणा, बर्तन साफ करने, भांडे बर्तन साफ करने, रोटी पकाउणी, तो ये सारे काम तुसीं खुद करोगे, अपने खुद के कपड़े धोने, घर की सफाई करनी, यह सारे काम तुहानू आने जरूरी ने अगर तुसीं कनेडा जाके सैटल होना चाहुंदे हो, क्योंकि तुहानू उत्थे कोई नौकर वगैरह नहीं मिलेगा भी जिहड़ा तुहाडा काम करे। सो ये आदतां तुसीं अपने इंडिया तो लैके जाणियां ने, भी तुहानू ये सारे काम करने आने जरूरी ने। तो कनेडा दे विच अगर तुसीं एक रूम रेंट ते लैंदे हो तां उह इंडियन करंसी दे अकॉर्डिंगली तुहाडा खर्चा आएगा 20,000 to 25,000 रुपए महीना। ते अगर तुसीं उही तुहानू आदत रूम शेयर करन दी है तां तुसीं होर स्टूडेंट दे नाल अपना रूम शेयर कर सकते हो ते अपने खर्चे नूं घट कर सकते हो। सो तुहाडी इह वी आदत होनी चाहीदी है कि तुसीं किसी नाल रूम शेयर करके रह सको। ते अगर तुसीं अपलाई करना चाहुंदे हो तां तुसीं एज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यूबिक, सस्केचुअन, अल्बर्टा अते अटलांटिक जोन दे विच जिहड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुसीं उत्थे अपलाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उत्थे पक्के होने वास्ते खर्चा भी घट हुंदा है अते घट नंबरां दी लोड़ पैंदी है, तां तुसीं ईजली उत्थे पक्के हो सकते हो जिन्हां दे नंबर घट ने। ते अगर तुसीं खर्चा घट करना चाहुंदे हो तां इह प्रोविंस तुहाडे लई बहुत वधिया रहणगीआं। कनेडा एक बहुत ही वधिया कंट्री है, उत्थे जाके उत्थों दे रूल्स नूं फॉलो करना तुहाडे लई वधिया रहेगा, क्योंकि जिहड़ी भी कंट्री असीं जाणे आ सानूं उत्थों दे रूल्स नूं फॉलो करना जरूरी हुंदा है। सो उत्थों दे ड्रैस कोड नूं अपनाओ तां कि तुसीं उत्थे जाके ईजली सैटल हो सको, क्योंकि कैमरियां दे राहीं तुहानूं 24 आवर्स उत्थे देखिया जांदा है कि तुसीं की कुछ कर रहे हो, क्योंकि जो तुसीं PR लई अपलाई करोगे तां सारा रिकॉर्ड पहलां कढ के देखिया जाएगा कि तुसीं उत्थे की कुछ कीता है। सो अपना उत्थे रिकॉर्ड बिल्कुल सही रखो। जे तुहानू पार्ट टाइम काम करन दी परमिशन मिलदी है तां पार्ट टाइम काम करदे समें उत्थे फोन यूज़ ना करो तां कि तुहाडा उत्थे रिकॉर्ड सही रहे। ते अगर तुसीं MBA दे विच दाखला लै रहे हो तां फाइनैंशियल दे विच स्पैशलाइजेशन नूं ही चूज़ करो, तां तुहाडे लई वधिया रहेगा। कनेडा दा की रूल है कि अगर तुहानू 2 साल दा कोर्स करन लई मिलदा है तां उस तों बाद तुसीं 2 साल दी पढ़ाई करदे हो, तो उस तों बाद तुहानू 3 साल दा वर्क परमिट मिलदा है। इन्हां सारे टाइम दे विच की है कनेडा जिहड़ी है तुहानू वेट एंड वॉच कर रही है, मीनस कि सारा कुछ देखिया जा रहा है। जो तुसीं PR लई अपलाई करोगे तां उदों की है तुहाडी क्लास जिहड़ी टीचर है उहदे कोल रिपोर्ट ली जाएगी अते तुहाडे कॉलेज दी रिपोर्ट चैक कीती जाएगी, जिथे तुसीं रह रहे हो होम ओनर दी रिपोर्ट देखी जाएगी कि ये परसन किस तरह दा बिहेव सीगा,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਕਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਸ ਕਰੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9851100148, ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9882895000, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।